नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। तो गाइस, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एमसीडी पीआरटी को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमसीडी पीआरटी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और एग्ज़ाम को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 30 वाली जो शिफ्ट थी, अनएक्सपेक्टेड इसमें क्वेश्चन आए थे, 28 में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, 13-14 में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 30 वालों ने केस भी कर दिया है, केस फाइल भी हो गया है, एक तारीख लग भी गई है और अभी जो अगली तारीख है 16 जनवरी की है, 16 जनवरी 2019। इसके बाद उन साथियों ने दावा किया है कि 99% एग्ज़ाम कैंसिल होगा। इसके बाद जो साथी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गाइज, बता देना चाहता हूँ, अभी दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संघ से मेरी धैर्य जी से बात हुई थी, तो उनसे जो बात हुई है मैं आप एक बार आपको वो बता देता हूँ। धैर्य जी ने कहा है कि हम काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो जाता है और एक भर्ती क्लियर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अब की बार शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और मैं चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में सभी को बेनिफिट मिले। जो 30 वाले भाई हैं मेरे, साथी हैं मेरे, उनको बेनिफिट मिले और 28 वाले हैं उनको ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। तो ये धैर्य जी ने हमसे कहा था। इसके बाद वो चाहते हैं कि सभी को बेनिफिट मिले, नॉर्मलाइजेशन हो, तो उसमें ये ना रहे कि किसी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, किसी भी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद धैर्य जी ने अपील की है TGT, PGT और PRT सभी साथियों से कि 24 दिसंबर 2018 मंडे को 10 बजे DSSB ऑफिस करकर डूमा में है और करकर डूमा जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही है, तो आप वहाँ पे जरूर पहुँचे। वहाँ पे धरना देने के लिए वो जा रहे हैं, वहाँ पे DSSB से बात करेंगे कि रिजल्ट हमें चाहिए, हम इतना वेट नहीं कर सकते, इतना लंबा टाइम हम नहीं कर सकते, बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, हम नहीं चाहते ये, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए वो धरना देने के लिए वो साथी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और उन सभी साथियों से अपील कर रहे हैं जो रिजल्ट चाहते हैं वो भी वहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे। इसके बाद धैर्य जी ने कहा था कि TGT PGT इनके एग्ज़ाम को भी काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी भी मतलब रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद ये साथी अपील करते हैं कि जो PRT का एग्ज़ाम हुआ है, भर्ती अटकने से पहले आप सभी साथी जागरूक हो जाएं, वहाँ पहुँचें, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है कैंसिल होने से बच सके। क्योंकि आपको पता है कि जो MCD PRT है उस पर काले बादल छाए हुए हैं और एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है अगर आप टाइम से नहीं जागे, क्योंकि अभी ऐसे चांसेस नहीं है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन जो दावा किया जा रहा है तो आप उससे पहले जागरूक हो जाएं। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो 24 दिसंबर 2018 सुबह 10 बजे कड़कड़ डूमा जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे भारी संख्या में पहुंचे, जिससे DSSB भी देखे कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिजल्ट चाहते हैं। हालांकि केस वालों की संख्या तो आपने देख ली बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर रिजल्ट वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो दबाव पड़ेगा और रिजल्ट आने के बहुत जल्दी चांसेस होंगे, नहीं तो नौकरी आपके हाथ से निकल सकती है। और आगे आपको पता है कि न्यू CTET वाले भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी आने वाले हैं और इसके बाद आप जानते हैं कि BEd वाले भी आपके साथ ऐड हो जाएंगे। और ये पता नहीं, इलेक्शन भी आ रहा है नेक्स्ट टाइम, कि भर्ती क्लियर हो या ना हो, हो सकता है कि कितना लंबा टाइम इसमें खिंच जाए, जैसा कि होता आ रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि 30 वालों के साथ गलत हो, 28 वालों के साथ गलत हो, हम उन साथियों से भी अपील करते हैं 30 वाले 28 वाले जो चाहते हैं कि रिजल्ट आए और अपनी मांगे वहाँ पे रखें कि भाई 30 वालों को नॉर्मलाइजेशन में भी बेनिफिट मिले, 28 वालों के इतने सारे क्वेश्चन डिलीट ना हो, तो आप वहाँ भारी संख्या में पहुँचें जिससे सभी को बेनिफिट मिले। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक डाल रखा है, जो भी साथी वहाँ पे पहुँचना चाहता है वो उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है और जो धैर्य भाई हैं उनसे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद बता देना चाहता हूँ, जो दिल्ली अध्यापक बेरोजगार संघ है, ग्रुप है, इनसे जो ये साथी हैं हमेशा कार्य करते रहे हैं और जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत बार
डीएसएसबी ऑफिस जाते रहे हैं, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप इनका सहयोग करेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।